पाली के बाली से खबर है, जहां कुंभलगढ़ अभयारण्य में फिर से झटकी आग। अरावली की वादियों में रात भर से आग का तांडव मचा हुआ है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में ये आग फैली है। मेवाड़ से मारवाड़ की ओर चल रही है हवाएं, जिससे आग का खतरा गोड़वाड़ मारवाड़ की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें, परशुराम महादेव तीर्थ और कुंभलगढ़ अभयारण्य की तलहटी क्षेत्र में ये आग फैली है। आग के मारवाड़ और गोड़वाड़ की ओर फैलने से परेशानी बढ़ सकती है। वन्य जीव और पक्षियों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले 2 दिनों से आग जारी है। कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। आग से अभयारण्य में कई इमारती और आयुर्वेदिक पेड़ पौधे जलकर राख हो चुके हैं। वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर फिलहाल आग बुझाने में जुटे हैं। विभाग का मानना है कि आधुनिक संसाधन नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बाली से हमारे संवाददाता महेंद्र मेवाड़ा। महेंद्र, क्या कुछ अपडेट अभी इस आंख को लेकर, क्योंकि लगातार भयावह होती आंख की खबरें चल रही है। जी सर, ये दूसरी बार भयंकर आग लगी है और करीबन 5 से 7 किलोमीटर के एरिया में फैल चुकी है। वन विभाग के कर्मचारी आग बुझा तो रहे हैं, लेकिन आग इतनी जबरदस्त है, हवा तेज चलने के कारण से आग फैलती जा रही है और इनके पास में आधुनिक संसाधन नहीं होने के कारण से आग पर काबू पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वही वन्य जीव पक्षियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। आयुर्वेद जड़ी बूटी और इमारती लकड़ियां भी जल के भस्म हो रही है सर। तो ऐसे में अभी विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है, वहां पर कितना समय लगेगा और अगर आग आगे नहीं बढ़े इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है अभी? इसके लिए आगे से आगे जो घास है ना, सूखी घास हो, उसको कटिंग किया जा रहा है ताकि आग आगे ना फैले, लेकिन आधुनिक संसाधन होने के कारण से ये सारे प्रयास बोले नजर आ रहे हैं फिलहाल। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बेहद परेशान करने वाली ये तस्वीर है और विभाग का भी यही मानना है कि आधुनिक संसाधन नहीं है, जिसके चलते आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। फिलहाल एक बड़ा खतरा वन्य जीव और पक्षियों के लिए भी है। कई इमारती और आयुर्वेदिक पेड़ पौधे इस आग में जलकर राख हो गए और आग लगातार आगे बढ़ती जा रही है।